स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें पूरी ज्योग्राफी हम लेके चलेंगे, जिसका चैप्टर फर्स्ट आज हम कर रहे हैं। ये मेनली फोकस 2020 के प्रीलिम्स और मेंस के हैं। 1 मिनट। हाँ, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ही है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो नेम्स और एक पढ़ेंगे लोकेशन। नेम्स में हम देखेंगे कि इंडिया को किस किस नाम से जाना गया है, जैसे इंडिया, आर्यावर्ता, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और भारत। सबसे पहले जो इंडिया है वो ग्रीक यानी यूनानी आए थे, उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के ईस्ट में है, तो इन्होंने इसे इंडिया नाम दिया। और जब आर्यावर्त आए, आर्यावर्त कहाँ से माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पास एक दर्रा पड़ता है, खैबर दर्रा या खैबर पास, वहाँ से आर्यावर्त भारत आए थे और वह उनके यहाँ रहने के कुछ सबूत मिलते हैं। उन्होंने इसे आर्यावर्ता नाम दिया, लैंड ऑफ आर्यंस के थ्रू। जम्बूद्वीप का हमें पुराण में मिलता है इसका नाम, पुराण के अंदर कोई इंडिया, भारत, हिंदुस्तान नहीं, जम्बूद्वीप यूज़ किया गया। उसके बाद में पर्शियन यानी ईरानी आए थे। ईरानी ने जिस तरीके से ग्रीक वालों यानी यूनानियों ने कहा था कि ये इंडस रिवर के ईस्ट में है, उसी तरीके से पर्शियन ने कहा था, उन्होंने इंडस की जगह यानी सिंधु की जगह हिंदू बोला था। ये हिंदू नदी के जो ईस्ट में है वो हिंदुस्तान है। और एक नाम ये भारत, जो राजा भरत के नाम से माना जाता है, वो राजा भरत। तो कई बार ये एक 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडिया को किस किस नाम से जाना जाता है और उनके नाम के पीछे का रीज़न क्या है, वो सारा ये है। इंडिया, आर्यवर्ता, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और भारत, और इनके ये फैक्टर्स। इसके अकॉर्डिंग हमारा नेम्स का हो गया। फिर हम पढ़ते हैं लोकेशन। ये देखिए, जब भी हम ग्लोब देखते हैं, ग्लोब क्या होता है, मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ को ग्लोब कहा जाता है। इसके अंदर कुछ टाइप की लाइनें दिखती है, कुछ ऐसी हैं और कुछ ऐसी हैं। इसको अगर हम 2 पार्ट्स में देखें, इसको अगर हम ये बनाएं, तो इसके अंदर कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो हॉरिजॉन्टल होंगी, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड, और कुछ लाइंस होंगी हमारी इस तरीके से जो वर्टिकल होती हैं, उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारा ग्लोब बन जाता है। जो ये हमारी वर्टिकल साइन होती है इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, और ये जो हमारी वर्टिकल्स है इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, देखिए जब हमने लैटिट्यूड बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ से आया पॉइंट, यहाँ से आया, ऐसे ऐसे करके जब हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा कि ये लाइन यहीं ख़त्म हो जाएगी और ऐसे स्टार्टिंग में यहीं हो जाएगी। तो टोटल लाइंस कितनी है इसके अंदर, लाइंस तो है 179 लाइंस है टोटल 179, यानी हमने ये 179 टाइम्स ऐसे ऐसे की है। लेकिन इसके लेटीट्यूड कितने हैं, लेटीट्यूड है इसके 181, क्योंकि पॉइंट्स को लाइन नहीं माना जाता, वो पॉइंट्स है, इसको लाइन ही माना जाएगा, लाइन ये मानी जाएगी। तो हमारे लेटीट्यूड है 181, जबकि लाइन कितनी है, लाइन है 179, यानी हमने इसके अंदर 189 में से अगर 2 माइनस करें तो क्या बन जाता है, ये हमारा लाइन बन जाती है। ऐसे ये हमारे ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये तो हमारे 360 होते हैं, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होती है 360। तो ये ग्लोब की रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्लोब क्या होता है, मॉडल ऑफ अर्थ। इसके अंदर हम लोकेशन देखते हैं, और इसका जो ऊपर ही कोई भी, जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ क्या होता है ईस्ट, और यहाँ होता है वेस्ट। यहाँ से हम लोकेशन सारी निकाल लेंगे कि कहाँ पर क्या पड़ता है। ये देखिए ग्लोब के अंदर अगर हम हमारे इंडिया की सिचुएशन देखें तो वही है, जो ये 0 डिग्री की लाइन यानी इक्वेटर, जब भी कोई ग्लोब बनता है तो सबसे पहले ये 0 डिग्री की लाइन, उसके बाद में ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और ऐसे ऐसे नीचे आते रहते हैं, और ऐसे ही यहाँ से बनती है लाइंस, और ये ऐसे ऐसे करके हमारा ग्लोब्स बन जाता है। अब इसके अंदर हमारी इंडिया है, हमें इंडिया की लोकेशन देखनी है। अब देखिए जब इंडिया को भी हम 2 पार्ट्स में देखें,
तो अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी हॉरिजॉन्टल, और अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी वर्टिकल। लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग यानी लेटीट्यूड कौन सा था, हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल यानी ये वाला। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो कहाँ आता है, जो लेटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो इंडिया है इसके अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसके अकॉर्डिंग यानी वर्टिकल लाइंस के थ्रू ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब ये दोनों लाइन मिक्स कर दो फिर इंडिया कहाँ आएगा, मिक्स करने के बाद ये रहा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम क्यों कहते हैं, ये 0 डिग्री की लाइन होगी, इससे ऊपर वाला सारा हिस्सा नॉर्दर्न और नीचे वाला सदर्न, तो ये नॉर्दर्न में आता है, इसके अकॉर्डिंग तो हमें पता लग गया लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। और ये देखिए ये वाली लाइन ये दिखती है यहाँ की, ये 0 डिग्री हो गई, और यहाँ से ये कौन से में आता है, ईस्टर्न में आता है। अब हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हमने ऐसी ही लाइन ड्रॉ की, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम इंडिया को ऐसे कंसिडर करें, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें इसकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेम इसी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं ऐसे डिस्टेंस करेंगे। तो उसी तरीके से इंडिया में जो ग्लोब है उसके अंदर भी 2 टाइप्स की लाइन ड्रॉ की गई है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ही इनको ड्रॉ किया गया है, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो ड्रॉ की जाती हैं। और इसके बाद अगर हम देखें, हाँ, तो इंडिया लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग तो आता है कहाँ पे, नॉर्दर्न, और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कहाँ आता है, ईस्टर्न में आता है, ठीक है। अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ की होगी, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, जब हमने लाइन ड्रॉ की होगी, जब हमने लाइन ड्रॉ की होगी तो कुछ लाइन ऐसे गई होंगी और कुछ लाइन इसको टच करके गई होगी, ऐसे कुछ लाइन ऊपर से टच करके गई होगी, कुछ इसको कट करके गई, कुछ लाइन टच करके गई होगी। तो अगर हम इंडिया के ये ऊपर कौन है, नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ, एक बार हम नॉर्थ और साउथ देखते हैं, जो बिल्कुल यहाँ से इसको टच करके गई है, सबसे ऊपर कौन है, जम्मू कश्मीर, और यहाँ से जो इसको टच करके गई है वो कौन सी डिग्री पर टच करके गई है, 37 डिग्री 6 मिनट पर, और जो बिल्कुल इसके साउथ यानी जहाँ तमिलनाडु है वहाँ इसको टच करके गई है वो कितने डिग्री पे करके गई है, वो करके गई है 8 डिग्री 4 मिनट। उसी तरीके से इसके वेस्ट और ईस्ट में देखें, ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे ऐसे इसको टच करके गई होंगी, तो यहाँ का जो पॉइंट है और एक यहाँ का पॉइंट है, सबसे यहाँ क्या है गुजरात और यहाँ क्या है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने डिग्री का बना रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट, और जबकि अगर हम आंध्र अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखें तो ये बना रहा है 97 डिग्री 4 मिनट। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस निकाली जाती है। और इंडिया को अगर हम इसको ऐसे ही देखें, ये जो बना रखा है हमने, तो इसकी लेंथ निकल के आई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो निकली है 3,214 किलोमीटर इधर की, और जबकि ये जो इधर की लेंथ है ये कितनी निकली है, 2,933 किलोमीटर। तो अगर हम इसका सम अप करें तो हमें ये पता लगता है कि ये सबसे ऊपर कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये सबसे नीचे कहाँ है, तमिलनाडु, यहाँ क्या है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ क्या है हमारा गुजरात, यहाँ का कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ सबसे वेस्टर्न पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है 97 डिग्री 6 मिनट। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो है मेनलैंड का सदर्न पॉइंट है, मेनलैंड का सदर्न पॉइंट है। जैसे कि हम इसको अगर मैप पे लोकेट करें, अब यहाँ लेंगे एक पॉइंट, यहाँ एक इसके साउथ में, और एक इसके यहाँ पे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, और यहाँ कौन आएगा हमारा, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ का जो पॉइंट है हमें डिग्री का पता है, यहाँ कितनी डिग्री आएगी,
जम्मू एंड कश्मीर में आएगी 37 डिग्री 6 मिनट। तो इस पॉइंट को कुछ कहा भी जाता होगा, इस पॉइंट को क्या क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कोण। इंदिरा कोण। अब नीचे आ जाते हैं, जो सबसे यहाँ साउथ में है, ये सारा लैंड एरिया है, तो मेन लैंड का सबसे सदर्न पॉइंट क्या है, वो क्या है, कैप कोमोरी। कैप कोमोरे गुजरात में आ जाते हैं, गुजरात का जो सबसे इस साइड का पॉइंट है उसे बोलते हैं गुहार मोती, गुहार मोती, गौर माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये आंध्र प्रदेश में आ जाता है, ये है की बीथू। ठीक है, गुहार मोती को पहले राजहर क्रीक के नाम से जाना जाता था, जो सर क्रीक के नाम पे है, और जो सर क्रीक वही एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया है, मछुआरों से रिलेटेड जो जहाँ दिक्कतें आई हुई हैं फिलहाल करंट में। और कैप कुमोरिन तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर का ये इंदिरा कोल हो गया, ये किबूथू हो गया, ये इसके चारों नेम हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, ये जैसे कि ये तो मेनलैंड का है, अभी यहाँ हमारे आइलैंड्स पड़ते हैं जम्मू वो अंडमान होने के बाद द्वीप समूह, उसके अंदर जो सबसे सदर्न पॉइंट है जो इससे भी नीचे आता है, वैसे तो इंडिया का ये भी हिस्सा है तो, लेकिन ये मेनलैंड का हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है, बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो यहाँ का जो सबसे नीचे वाला है यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया का सबसे सदर्नस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो तो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मेनलैंड का पूछा जाए तो वो है कैप कोमोरी, और ये इसके अंदर आता है ग्रेट निकोबार नेम है इसका, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जैसे हर कोई किस किस स्टेट में पड़ता है उसी तरीके से ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये था इंडिया के बारे में, और उसके ये लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करें, 0 डिग्री हमारी क्या होती है, इक्वेटर होती है, उसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे डिवाइड भी करेंगे तो ये दोनों ही लाइंस में आती है, तो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड दोनों के अंदर ही आती है। और किबूथू का ओल्ड नेम था वेलुगु, वेलुगु ये किबूथू का पुराना नेम था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब तक हमने क्या किया है, हमने बस इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा है, जिसके अंदर हमने उसकी दो कैटेगरी ली है, नेम जिसके 5 नेम है जो हम देख चुके हैं, उसके बाद आती है मेन लोकेशन, लोकेशन के अंदर हमने पढ़ा है ग्लोब, और ग्लोब के भी हमने 2 टाइप की है, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप की लेटिट्यूड कौन सी होती है, ये वाली, यानी इसका नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट लेना है। नॉर्थ पॉइंट में आ गया जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ में कौन आ गया, साउथ में आ गया हमारा तमिलनाडु। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हमने ये लिया है, लॉन्गिट्यूड के अंदर ये लिया तो इधर का वेस्ट और ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इनके अलग अलग नेम पड़े हैं और इनकी लोकेशन पड़ी है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम करेंगे डिस्प्यूट कि इंडिया की बाउंड्री जिन जिन के साथ लगती है उनके साथ क्या क्या डिस्प्यूट हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।